हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube क्लासरूम में। तो आज का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। आपको पता है कि जैकबोर्ड का इस बार का पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का है। आपको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं फुल ऑब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं। तो अगर किसी बच्चों ने तैयारी कर रखी है तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज है, और अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं भी कर रखी है तो उनके लिए तो और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इस वीडियो को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम लोग हर एक चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। और उससे रिलेटेड कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं तो आप इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक फर्स्ट चैप्टर को बिजनेस स्टडीज को बहुत ही छोटे तरीके में समराइज कर रखा है। इसमें आपको सारे के सारे पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स जो है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। जैसे पहला चैप्टर कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज, एक इंसान जो है वो काम किस लिए करता है। इंसान दो तरह के काम करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आया कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अब याद रखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू डायरेक्टली विद द मनी। ठीक है, एक इंसान जो भी कार्य करता है, कोई भी काम करता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पैसे के लिए करता है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। इंसान दो तरह के काम कर रहा है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए या पैसे कमाने के लिए। अगर वो पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करता है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। अगर वो बिना पैसे का कोई भी काम करता है सिर्फ और सिर्फ मन की शांति के लिए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, या किसी की सेवा करते हो, सोशल वर्किंग काम करते हो, दान करते हो, ये सारा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं, ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई, इकोनॉमिक। अगर मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहा हूं या ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं फ्री में जिससे पैसे मैं नहीं ले रहा, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको आसान तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आर्थिक क्रिया और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं। आगे इकोनॉमिक, अब बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक में तीन पार्ट में बांटा गया है। इकोनॉमिक, पैसे के लिए हम तीन तरह का काम करते हैं, या तो हम बिजनेस करेंगे, या तो हम प्रोफेशन करेंगे, या तो हम इंप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा कार्य होता है जहां गुड्स का एक्सचेंज होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग क्या करते हैं, सामान को खरीद बिक्री करते हैं, कोई फिजिकल थिंग्स विच कैन बी टच और सीन, कोई भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री करना हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में कोई भी सामान हम लोग नहीं बेचते, प्रोफेशन में हम अपना नॉलेज, अपने स्किल को देते हैं किसी दूसरे को। ये नॉन एक्टिविटीज, नॉन गुड्स कह सकते हो, नॉन गुड्स एक्टिविटीज है जिसमें हम लोगों का कोई भी फिजिकल थिंग्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं, ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई, ये हमारी प्रोफेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको पेन बेचता हूं, मैंने आपको पेन बेचा और उसके बदले पैसा लिया, तो मेरे पास पैसा आया लेकिन उसके बदले मैंने आपको पेन दिया जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, ये क्या हो गया, बिजनेस, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज हुआ। अब मैंने आपको पढ़ाया, आपको नॉलेज दिया, क्या नॉलेज को छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रोफेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जियो का रिचार्ज करवाया, मान लो आपने एयरटेल का रिचार्ज करवाया, मोबाइल रिचार्ज करवाया, अब रिचार्ज करवाया आपसे तो पैसे कंपनी ने ले लिए, अब कंपनी ने आपको क्या दिया, सर कंपनी ने आपको क्या दी, सेवाएं दी, सर्विसेज दी, दैट इज प्रोफेशन। एक लॉयर, एक डॉक्टर, डॉक्टर आपको क्या देता है, एक टीचर आपको क्या देता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर क्या करता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिख कर दे देता है, आपको चेकआउट कर देता है, बता देता है आपको कोई डिजीज है या नहीं है, दवा भी आप बाहर जाके खरीदते हो एक्स्ट्रा पैसे देकर, लेकिन डॉक्टर्स को भी फीस देते हो, क्यों, क्योंकि उसने आपको चेकआउट किया और बता दिया कि आपको ये बीमारी है या नहीं है, वो अपना नॉलेज आपको दे दिया, दैट इज कॉल्ड।
प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में कोई भी गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार। हम लोग जाकर कहीं अगर एम्प्लॉयमेंट करें, काम करें किसी के अंडर में, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मेन टॉपिक्स में थोड़े बहुत बता देता हूं। सबसे ज्यादा कैपिटल किसमें लगेगा? बिजनेस में। प्रोफेशन में थोड़ा बहुत कैपिटल लगेगा क्योंकि बिजनेस में आपको गुड्स चाहिए, इसके लिए आपको लार्ज कैपिटल की जरूरत है। प्रोफेशन में आपको थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है जिससे आप अपना एक चैम्बर खोल सकते हो या इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, जैसे मैं अपना इंस्टीट्यूशन खोला, थोड़ा बहुत पैसा लगा। एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ काम करने में पैसा लगता है? नहीं सर, नहीं लगता। अच्छा, एजुकेशनल नॉलेज, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसमें प्रिस्क्राइब जितना बोला गया, जैसे लॉयर को LLB करना पड़ेगा, डॉक्टर को MBBS करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रोफेशन हो गया, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है किस नेचर का बिजनेस है। अगर वो बिजनेस हायर लेवल का है तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बिजनेस स्मॉल लेवल का है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो उसमें चलेगा आपको, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। रिस्क, अब रिस्क सर, सबसे पहले रिस्क होता क्या है? तो लॉस होने का डर ही क्या होता है? रिस्क होता है। अगर आपने पैसे लगाए, आपके पैसे डूब गए तो वो क्या है? रिस्क है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेस में होता है। थोड़ा बहुत रिस्क प्रोफेशन में होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि डूबेगा तो मालिक का डूबेगा जो बिजनेस कर रहा है। इज इट क्लियर? इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो ऐसे इसके डिफरेंसेस है, आपको इसको पढ़ लेना है, इसको समझ लेना है। ठीक है, अब चलते हैं रिस्क में कितने तरह का रिस्क होता है। रिस्क में होता है एक नेचुरल कॉजेस। अगर हमारा बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ये सारा नेचुरल कॉजेस है जिससे हम लोगों को रिस्क होता है, डर होता है। ठीक है, दूसरा होता है फिजिकल कॉजेस। कोई सामान टूट फूट गया, जैसे हम लोग ऑयल ला रहे हैं तो आपको पता है कि ऑयल कुछ उड़ भी जाते हैं, जैसे अगर पेट्रोल की बात की जाए तो कुछ उड़ गए या लीकेज हो गए तो बह गए, ये कुछ हमारे फिजिकल कॉजेस है। कांच का सामान है तो वो टूट गया, ये फिजिकल कॉजेस है। ह्यूमन कॉजेस, अगर हमारा कोई इंप्लॉयज है वो डिसऑनेस्ट निकल गया, चोरी हो गई, समझ गए, कस्टमर्स जो है वो चेंज हो गए, तो वो ह्यूमन कॉजेज है। इंसान की वजह से अगर हम लोगों को रिस्क हो रहा है वो ह्यूमन कॉजेज है। नेचर की वजह से रिस्क हो रहा है, नेचुरल कॉजेज। गुड्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से रिस्क हो रहा है तो फिजिकल कॉजेज विच कैन बी टच और सीन। ह्यूमन कॉजेज, इंसानों की वजह से अगर हम लोगों को कोई रिस्क हो रहा है तो ह्यूमन कॉजेज में आता है। और इकोनॉमिक कॉजेज में इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर हमारा कोई प्रेफरेंस चेंज हो गया, कोई लॉ चेंज हो गया, कोई एक्ट चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग कोई रिस्क बन रहा है तो वो इकोनॉमिक हमारे कॉजेज में आएगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको पहला चैप्टर बता दिया। अब चलिए फटाफट इससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं जिससे आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर आउट हो पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बिजनेस इज एन आर्ट, साइंस, बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये सबको पता होगा कि ये बोथ है, आर्ट भी है और साइंस भी है। बिजनेस जो होता है वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द बिजनेस एक्टिविटीज, कौन सी ऐसी चीजें हैं इसमें से जो बिजनेस एक्टिविटीज को बताती है। पहला है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। क्या मैंने बिजनेस में बताया था कि गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है? हाँ सर, आपने बताया था। दूसरा, वॉर्शिप इन द टेम्पल, क्या मंदिर में पूजा करना बिजनेस है? नहीं सर, वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक, तीसरा, फ्रॉड विद द कस्टमर, क्या बिजनेस में ये बताया जाता है कि कस्टमर को धोखा दो? नहीं सर, ये नहीं बताया जाता है। एंड अडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल, अडल्ट्रेशन मतलब समझोगे मिलावट करना, क्या बिजनेस में ये बताया जाता है कि मिलावट करके सामान बेचो? नहीं सर। तो पहला मैंने जो ऑप्शन बताया था, गुड्स को एक्सचेंज करना, ये बिजनेस एक्टिविटीज है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे वाइड स्कोप किसका है? सबसे पहला ऑप्शन कहता है ट्रेड, दूसरा कहता है कॉमर्स, तीसरा कहता है इंडस्ट्रीज और चौथा कहता है बिजनेस। तो आपको याद रखने हैं सबसे बड़ा होता है बिजनेस और बिजनेस के अंदर में ही ये सारी चीजें आती है और कॉमर्स भी उसके अंदर आता है। बिजनेस के अंदर में भी ही कॉमर्स आता है, याद रखोगे। ये सारी चीजें जो है सब बिजनेस के अंदर में ही आती है। बिजनेस का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस आप क्यों करोगे? तो जाहिर सी बात है सर, पैसा कमाने के लिए। पहला पॉइंट तो कहता ही है कि पैसा कमाने। तो पहला है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, हाँ सर है। सर्विस ऑब्जेक्टिव, क्या बिजनेस में सर्विसेज दी जाती है? हाँ सर, दी जाती है, क्योंकि सामान हम लाकर फैक्ट्री से आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ें अगर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर ये दुकानें नहीं होती, बिजनेस नहीं होता, तो आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि अभी गर्मी है, आपको AC प्रोवाइड हो रहा है तो ठंडी ठंडी हवा तो लग रही है भाई। अगर हमारी दुकानें नहीं होती, हमारा प्रोडक्शन नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, तो AC कहाँ रहता? AC नहीं रहता तो हमें गर्मी लगती। समझ में आ रही है? तो ये प्रॉफिट के लिए भी हो गया और सर्विसेज के लिए हो गया। तीसरा कहता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव
और सर्विस ऑब्जेक्टिव बोथ, हाँ सर ये सी आंसर होना चाहिए। टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। क्या बिजनेस टैक्स की चोरी के लिए किया जाता है? नहीं सर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हम लोग का बोथ प्रॉफिट और सर्विस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट कहता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हैं? सर देखो बिजनेस रिस्क के पहला ऑप्शन देखोगे ह्यूमन, दूसरा देखोगे फिजिकल, नेचुरल। क्या ह्यूमन है, फिजिकल है, नेचुरल है? हाँ सर तीनों है, मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर द अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज, एक ऐसा काम जिसमें लोग दूसरे के यहां जाकर काम करते हैं और उसके बदले सैलरी लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट। हम दूसरे के यहां काम करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है? याद रखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्या हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग पैसा कमाएंगे? देखिए इकोनॉमिक मैंने बता दिया, पैसा कमाने के लिए किया गया कोई भी काम हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हाँ सर होना चाहिए। ट्रेडिंग इन गुड्स, सामान ट्रेड करना मतलब खरीद बिक्री करना, हाँ सर होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज, हाँ सर हम सर्विसेज देते हैं, अगर हम पैसे लेते हैं तो फिर वो तो होगा ही। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज, समाज सेवा करना, क्या पैसे के लिए समाज सेवा की जाती है? नहीं सर, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, तो सोशल सर्विसेज इज द राइट आंसर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। द लास्ट, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, ये वेदर की तरह है बिजनेस, जहां हम लोग का रोजाना हम लोग जो रहते हैं उसके अंदर उसके साथ रहते हैं, चेंज होता है हर कुछ। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग्स, इसमें से किसने कहा है ये स्टेटमेंट? पहला हेनरी, दूसरा मार्शल, तीसरा बार्टली बॉय और व्हीलर। याद रखोगे व्हीलर, इसको याद कैसे रखना है? आपका कहता है कि समय के साथ बिजनेस चलता रहेगा, समय के साथ बिजनेस चलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, बिजनेस बदलता रहेगा, व्हील व्हीलर। ठीक है, बात समझ में आ गई? व्हील, समय के साथ बिजनेस बदलता रहेगा, इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, चलते हैं फटाफट दूसरे चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ लेनी है इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में हम लोगों को, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, इंडस्ट्रीज को तीन भाग में बांटा गया है, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक और टर्शियरी, तृतीयक। तीन भागों में, तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। देखो इंडस्ट्रीज तीन तरह की होती है, या तो हम डायरेक्ट नेचर से सारी चीजों को लें और बेच दें, लें और बेच दें। ठीक है, तो जो भी हम लोग डायरेक्टली नेचर से लें वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है, जिसमें एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक है। जैसे हम लोगों का माइनिंग वगैरह हो गया, ये सारा एक्सट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग ने ऑयल वेल्स देखे हो गए, तेल का कुआं, तेल निकाला बेच दिया, कोयला निकाला बेच दिया, लकड़ी काटा बेच दिया। ठीक है, जेनेटिक क्या होता है? जिसमें जनरेशन होता है, जैसे मुर्गी पालन हो गया, हम लोगों का कैटल्स, जैसे हम लोग गाय भैंस बकरी या डायरी जो फार्म होते हैं जो दूध उत्पादन किया जाता है, वो सारा जेनेटिक में आ गया। तो जब हम लोग डायरेक्टली नेचर से लें, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ना करें, हम लोग डायरेक्टली बेच दें, वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक है, दूसरा, जब नेचर से हम लोगों ने लिया और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसको कुछ चेंजेस किया और उसके बाद उसको बेचा, तो वो सेकेंडरी में आता है, जिसमें आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। लकड़ी काटकर डायरेक्ट बेच दो, वो हमारा क्या आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ गया। लेकिन लकड़ी काटकर उससे फर्नीचर बनाकर बेचो, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, जिसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और दूसरा आता है कंस्ट्रक्टिव। हम लोगों ने मिट्टियां ली, हम लोगों ने क्या किया, उससे ईंट बनाया, ईंट से फिर घर बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा आता है टर्शरी। टर्शरी में आते हैं इन दोनों को बेचने में जो भी हेल्प आता है या बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसका सॉल्यूशन टर्शरी सेक्टर है। मतलब जितने भी सर्विसेज दी जाती है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अब सर हमने लकड़ी का गोला बेचना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, या फिर हम लोगों को फर्नीचर बेचना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो टर्शरी सेक्टर का काम है। बैंकिंग टर्सरी सेक्टर का काम है, इसमें कोई भी सामान नहीं बेचा जा रहा है। इंश्योरेंस, कोई भी सामान नहीं बेचा जा रहा है, इन सब चीजों को सिक्योर किया जा रहा है। वेयर हाउसिंग मतलब होता है गोडाउन, जो आपने बना रखा है उसको हम लोग एक जगह रखेंगे सेफ तरीके से, वो वेयर हाउसिंग हो गया और एडवर्टीजमेंट हो गया। ये सारी चीजें हमारे टर्सरी सेक्टर में आती है और इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है कॉमर्स।
कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस एड्स टू ट्रेड या एक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो भी बिजनेस में उसका सहायता करे वो सारा मिलकर कॉमर्स बना हुआ है, ठीक है। एक्टिविटीज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कौन है, कॉमर्स है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, बहुत सारे लोगों का जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आता है। जैसे मान लो कि हम लोगों को सामान खरीदना और बेचना है, अब खरीदने बेचने के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है, वी हैव नो मनी, देन कॉमर्स ने बना दिया बैंकिंग सेक्टर, भाई लो बैंक मैंने दे दिया, लोन लो सामान खरीदो, इजी टू एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, सामान बनता कहीं और है, लोग रहते कहीं और हैं, उन दोनों को मिलाने का काम कौन किया, कॉमर्स किया। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान एक जगह से दूसरे जगह इजी वे में ले जा सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस में, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन कौन है, कॉमर्स है, ठीक है। तो फटाफट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है कॉमर्स, कहता है कॉमर्स इज पहला पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ ट्रेड, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कॉमर्स बिजनेस का ही एक पार्ट है, बिजनेस का रेंज जो है बहुत वाइड है, मैंने पहले ही बताया, तो उसका ही एक पार्ट है कॉमर्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है बिजनेस इन विच फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इज कैरिड कॉल्ड, पहले हम इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं। देखो इसमें तीन सेक्टर आते हैं, जब हम फॉरेन डिपार्टमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, ट्रेड करते हैं, तो तीन तरह की ट्रेड होती है। पहला होता है इंपोर्ट, बाहर से सामान खरीदना इंपोर्ट, बाहर को सामान बेचना एक्सपोर्ट, ठीक है। विदेश से सामान खरीदेंगे इंपोर्ट, विदेश को सामान बेचेंगे एक्सपोर्ट, और जब बाहर से ही खरीद कर बाहर को बेच देंगे वो का इंटरपोर्ट, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड होती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। तो यहां पर कहता है बाहर से खरीदो और बाहर को बेच दो, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या इंटरपोर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है इंटरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन एक्सेलरीज टू ट्रेड, कौन सा एक्सेलरीज टू ट्रेड नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। पहला है माइनिंग, दूसरा देखोगे इंश्योरेंस क्या इसमें है, हाँ सर है, तीसरा वेयर हाउसिंग है, हाँ सर है, चौथा ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ सर है। मतलब सर इंश्योरेंस भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, वेयर हाउसिंग भी है, क्या नहीं है, माइनिंग नहीं है, क्योंकि माइनिंग किस में आता है, हम लोगों का एक्सट्रैक्टिव में आता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा माइनिंग। अच्छा कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, कौन सा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है, माइनिंग, रेयरिंग ऑफ कैटल्स, पोल्ट्री फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, या यातायात करना, या माइनिंग करना, एक्सट्रैक्टिव। तो आपको मैंने बताया था एक्सट्रैक्टिव कौन है, माइनिंग करना, अभी मैंने बताया नेचर से डायरेक्टली ले लेंगे, क्योंकि मुर्गी पालन करना, बाकी चीजों को पालना, ये कौन सा है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनिंग। नेक्स्ट है डायरी, डायरी फार्म इज कौन सा आएगा, सर सर्विस इंडस्ट्रीज आएगा, कंस्ट्रक्टिव आएगा, जेनेटिक आएगा, एक्सट्रैक्टिव आएगा। मैंने अभी बताया था डायरी फार्म, कैटल्स को पालना, ये सब पालना, मुर्गी पालना, ये सारा जेनेटिक में आता है, तो इसका आंसर होगा जेनेटिक फार्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ लेनी है फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कितना है। याद रखोगे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर, या मिक्स सेक्टर भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज जितनी भी होगी, प्राइवेट फर्म जितना भी होगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, वो प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनीज, जिसमें पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, वो गवर्नमेंट हो गई। एंड द लास्ट वन इज ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर में दोनों होते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, समझ में आ गया, मतलब गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट कंपनीज भी होती है। फटाफट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज में कौन कौन आते हैं। एक आते हैं नॉन कॉर्पोरेटेड, एक इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेटेड में आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है सर, जिनको पता होगा वो जानते हो, जिन्हें नहीं पता वो सुन लें। सोल मतलब होता है सिंगल ओनर, और प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सिंगल ओनर। देखो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है और आपको फायदा कर रहा है, तो आप प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। ये तो आप लोगों का एग्जाम है, इससे रिलेटेड मैं हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो इसे खुद भी पढ़ें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए कि हमारा जो 12 का बैच है वो मार्च से स्टार्ट होने वाला है।
तो अगर किसी को भी 12 की बैच ज्वाइन करनी है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर्स पे या वेबसाइट पे या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो 12 का बैच जो है आप लोगों का नेक्स्ट वो मार्च से स्टार्ट हो रहा है। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आ गई। यहां पर एक सिंगल ओनर होता है जो बिजनेस को पूरी तरह से चलाता है, जिसमें पूरा का पूरा रिस्क उसके पास होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसके पास होता है। अगर लॉस हुआ तो उसका, प्रॉफिट हुआ तो उसका। जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता, क्योंकि आज मैं बीमार पड़ गया तो दुकान कौन खोलेगा, आज मुझे लॉस हो गया तो पूरा लॉस मुझे हो गया, इसलिए दुकान बंद हो सकती है, ठीक है। दूसरा आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फैमिली मेंबर्स मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, देखा और सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी जो फैमिली है वो एक साथ मिलकर कोई बिजनेस चला रही है, जिसमें तीन जनरेशन आती है, दादाजी, पापा जी और हम, तीन जनरेशन मिलकर पूरे बिजनेस को कंट्रोल करती है। एक बच्चा जन्म लिया, जन्म के साथ ही वो उसका पार्टनर बन जाता है, क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा जन्म लिया तो आपके परिवार में जो भी बिजनेस है या जो भी प्रॉपर्टी उसमें तो उसका हिस्सा हो गया। वैसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी बच्चा जन्म लिया तो उसका हिस्सा उसमें हो जाता है, वो पार्टनर बन जाता है, ठीक है, और उसके साथ वो काम करता है। इस पूरे बिजनेस को जो कंट्रोल करता है उसको कर्ता कहते हैं। मोस्ट मेल मेंबर जो होते हैं वो कर्ता कहलाते हैं, ठीक है, और बाकी लोग जो हैं वो इसके नीचे काम करते हैं। जो लाइबिलिटीज होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सारा कर्ता करेगा। कर्ता मतलब हेड, उसके लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं उसके लिमिटेड होते हैं। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप याद रखोगे वो तो पता ही है। जब हमारा बिजनेस, फैमिली बिजनेस भी नहीं चल रहा और बड़ा हो गया और लोगों को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलाते हैं हम, जब वो पार्टनरशिप के अंडर में आता है। समझ में आ गया, ये हमारा पार्टनरशिप है। इसमें भी हमारे जो लाइबिलिटीज होते हैं पार्टनर्स के वो अनलिमिटेड होते हैं, जो चाहे जितना कर्ज ले सकता है। अब आते हैं ज्वाइंट वेंचर। जब दो बिजनेस फर्म साथ में हाथ मिलाते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, वो हमारा ज्वाइंट वेंचर कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मारुति सुजुकी, मारुति अलग कंपनी है इंडिया की, सुजुकी जापान की अलग कंपनी, दोनों मिलाकर हाथ बना ली और बन गई मारुति सुजुकी। ये हो गया ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, उसके बाद आती है कंपनी। जब हम लोग इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कंपनी खोलते हैं तो हम लोगों का लार्ज स्केल पे ये सारे, देखो जैसे हम लोग का पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, अब जब दो या दो से ज्यादा लोगों को जोड़ते हो तो पार्टनरशिप बन गया, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकते हो, तो याद रखोगे मैक्सिमम आप 50 जा सकते हो। पार्टनरशिप का मैक्सिमम जो है वो 50 है। वही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें दो तरह की कंपनीज पाई जाती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। याद रखना आपको, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम कम से कम 7 लोग और मैक्सिमम 9 लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप जो पार्टनर इसमें शेयर होल्डर्स है वो बना सकते हो। कंपनी कंपनी में जितने भी लोग मिलते हैं वो पार्टनर्स नहीं कहलाते, पार्टनरशिप में जो लोग मिलते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं, बट कंपनी में जो भी लोग मिलते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पैसा लगाया जाता है वो शेयर्स के नाम से जाना सकता है। आपने सुना भी होगा शेयर मार्केट का नाम, तो कंपनी हमेशा शेयर्स में डील करती है, ठीक है। जो भी उनकी पूंजी होती है वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होती है। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है तो आप लिंक भी देख सकते हो या फिर मेरे वीडियोस को जाकर सर्च भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको कंपनी का मिल जाएगा, जिसमें आपको कंपनीज के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगी। समझ में आ गई। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो क्रिएट की जाती है म्यूचुअल हेल्प के लिए, आपसी हेल्प के लिए जो सोसाइटी का क्रिएशन होता है वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कही जाती है। जैसे कोऑपरेटिव के बारे में आप समझ जाओ कि मान लो कि एक गांव है और गांव में मैं आता हूं तो देखता हूं गरीब किसान है, वो अपने अनाज को जब बेचना चाहते हैं तो सारे लोग, क्योंकि उन सब में झगड़ा रहता है, मतभेद रहता है, सब खुद का कुछ थोड़ा बहुत अनाज ले जाते हैं बाजार बेचने के लिए, तो सारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है अलग अलग, क्योंकि सब अलग जाते हैं, फिर दलाल को पैसा देना पड़ता है अलग से, तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सबको चाय पे बुलाया और बोला कि भाई चर्चा करते हैं चाय पे, तो आ जाओ हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या।
तो मैंने बोला कि चाचा भैया दादा सुनो, आप लोग जो अलग अलग जाकर बेच रहे हो, एक काम करो ना, सबको एक साथ अनाज मिला लेते हैं और मैं और कुछ दो चंद चार लोग मिलकर इस अनाज को ले जाकर एक बार मार्केट में बेचेंगे। इससे क्या होगा, सबका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाएगा, दलाल को मुझे एक बार में पैसे देने पड़ेंगे और क्योंकि अनाज का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। हम लोग अगर अलग अलग बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखे होंगे कि कुछ लोग चार आम लेकर बैठे हुए हैं और एक बहुत सारे टोकरे हुए में आम लेकर बैठा हुआ है। अब जब जाओगे चार आम वालों के पास, बोलोगे भैया कैसे, वो कहेगा 50 रुपया, तो आप बोलोगे बचा कुछ है तो आम मैं 10 रुपया देता हूँ। तो जब आपके पास छोटा अमाउंट है तो उसमें पैसे नहीं मिलते हैं। वही आप जब जाओगे टोकरे वाले के पास तो नहीं बोल सकते कि बचा कुछ आम मैं 10 रुपया दे रहे हैं, जितना बोलेगा रेट वो देना पड़ेगा। तो अगर आपका अमाउंट लार्ज स्केल पे होगा तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। ये म्यूचुअल हेल्प के लिए तैयार की जाती है, कोई भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। जैसे पार्टनरशिप जब हम कर रहे थे तो पार्टनरशिप हमारा प्रॉफिट अर्निंग के लिए था, हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए साथ मिल रहे थे, या कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं क्यों, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। लेकिन जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा कुछ भी नहीं करती है, यहाँ प्रॉफिट अर्निंग नहीं किया जाता, यहाँ म्यूचुअल हेल्प किया जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बातें। बाकी आती है पब्लिक कंपनी, जिसमें आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैचुरी गवर्नमेंट कंपनी, समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कुछ डिपार्टमेंट जिसको अंडरटेक करके रखी है गवर्नमेंट, जो भी कंपनीज के 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाता है, गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। 51%, समझ में आ गया, 51% वो टेक ओवर कर लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवेज है, आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट कंपनी BCCL है, आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी हैं कंपनीज बहुत सारे वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, आपने पोस्ट ऑफिस देख रखा होगा, आपने BSNL देख रखा होगा, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल हो गए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर मैं इसको डिटेल्स में आगे चैप्टर्स में बताऊंगा। हर एक जो आपका बिजनेस फॉर्म है ये आगे अलग अलग चैप्टर्स में है, मैं उसको फिर डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्राइवेट सेक्टर में बी डिवाइडेड इनटू, प्राइवेट सेक्टर किन दो भागों में बांटा गया है, प्राइवेट सेक्टर को नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखोगे नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, बोथ या पब्लिक एंड जॉइंट। तो आपको पता है कि क्या है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी बोथ इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखो, ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये काफी हेल्पफुल होगा आपको, इसके थ्रू आप आसान तरीके से क्या है ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, यहां पर देख लो कि कितने सारी चीजें हैं, आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप सारे को नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो कहीं भी, ये सारा चीज आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द लाइफ ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस इज स्टेबल, अनस्टेबल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने अभी बताया सोल ट्रेडर क्योंकि सिंगल पर्सन काम करता है तो उसका स्टेबल नहीं हो सकता, अनस्टेबल, कभी बीमार पड़ गया, कभी शादी में चल गया, कभी दुकान खुला, कभी नहीं खुला। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज, द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर की लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड, वो जितना चाहे कर्ज ले सकता है। क्यों सर के कर्ज ले सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर कर्ज ले रहा हूं तो मुझे पैसे देने हैं अपनी दुकान से, और अगर मैं दुकान से नहीं दे पाया तो मैं अपने घर से भी पैसे दूंगा, ये इसका डिमेरिट्स भी है, याद रखोगे। इसीलिए कोई भी सोल ट्रेडर्स को पैसे दे देता उधार में, ये जितना चाहे उतना कर्ज ले सकता है, इसका लिमिटेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको घर से भी पैसे देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सर, नेक्स्ट कहता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, द मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड। एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टनर कैसे बन सकता है, मेंबर कैसे बन सकता है, क्या बाय एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन देकर बन सकता है, बाय बर्थ, बाय फ्रेंडशिप, बाय रिकमेंडेशन। तो आपको पता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक बच्चा जन्म लिया, जन्म के साथ ही उसका पार्टनर बन जाता है, उसका मेंबर्स बन जाता है, ठीक है। तो बाय बर्थ होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इन टू, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को दो भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है, मिताक्षरा और दयाभागा। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ, मिताक्षरा एंड दयाभागा। दोनों का रूल्स क्या था याद रखोगे, पहले क्या होती थी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ मेल मेंबर्स कर सकते थे, ठीक है। तो मेल मेंबर्स कर सकते थे, बट कुछ कुछ स्टेट्स ने इसको डिनाई किया, जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये सारे लोगों ने इसको डिनाई किया और अपना एक रूल बनाया।
जिसमें मेल के साथ फीमेल मेंबर्स भी काम कर सकते हैं। तो इसको दो पार्ट बना दिया गया, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। एक बनाया गया अमिताक्षरा, दूसरा बनाया गया दयाभागा, ठीक है दोनों को। अब लेकिन क्या है, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में दोनों काम कर सकते हैं, मेल और फीमेल बोथ काम कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस इज, हिंदू फैमिली बिजनेस में जो लाइबिलिटीज है अदर मेंबर्स की वो क्या है सर, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड है, कर्ता जितना चाहे कर्ज ले सकता है, बाकी लोग जितने हैं उसके लिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। तो इसका आंसर होगा लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली सक्सेशन एक्ट कब आया था, आप याद कर लोगे इसको, 1956 में। ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो 1956 में आया था, आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है सर, तो ये वॉलेंट्री है, इच्छिक है, आपकी इच्छा है तो करवाइए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई आपका लीगल कंपल्सरी जो है वो नहीं है, इसमें वॉलेंट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में मस्ट रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितना परसेंट होना चाहिए? तो याद रखोगे अगर कुछ नहीं बोला गया है तो 6% आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, ये आपको 12 में भी पढ़ना है अकाउंट्स में, याद रखोगे, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखे 6% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज पार्टनर, कौन सा फुल फ्लेज पार्टनर नहीं है? कहता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो सबसे पहले तो आंसर देख लें, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये फुल फ्लेज पार्टनर जो है वो फुल फ्लेज पार्टनर जो है वो नहीं है, ठीक है, कवर्ड नहीं करता है। अब सर फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन कौन से, तो ये तीनों पहले समझो है क्या। एक्टिव पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर है, ओनर भी है और वहां काम भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मिलकर स्कूल खोला, ठीक है, अब यहां पर हम लोग तो ओनर है, हम लोग तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन मैंने बोला क्योंकि भाई मैं जानता हूं आप लोगों ने फोर्स किया कि सर थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा दो, तो मुझे जितना आता था मैंने बोला कि चलो मैं पढ़ा देता हूं। तो एज ए टीचर मैं वहां काम भी कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं टीचर एज अ काम कर रहा हूं तो मैं एक्टिव पार्टनर हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूं और मैं उसका ओनर भी हूं। लास्ट टाइम पर जब प्रॉफिट बटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो लास्ट में मैं कोट पैंट पहन कर आऊंगा एज ए ओनर। रोज में आ रहा हूं शर्ट पैंट पहन के एज ए टीचर, तो मैं काम भी कर रहा हूं, मैं ओनर भी हूं, तो ये एक्टिव पार्टनर हो गया। दूसरा, आप लोग क्योंकि सिर्फ ओनर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्लीपिंग पार्टनर है या डॉर्मेंट पार्टनर है जो काम नहीं कर रहा है। तीसरा, सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा होता है जो पब्लिकली नहीं बताया जाता कि ये मेरा पार्टनर है, ये हो गया सीक्रेट पार्टनर, समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे पार्टनर्स हैं, आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए तो कहा गया है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कितना है सर, 2, 5, 7, 10। तो याद रखोगे इसका राइट आंसर है 10। 10 जो है मिनिमम मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। तो देखो सारी चीजों में आप मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स देख लोगे, मैंने अभी बताया भी कुछ कुछ चीजों में आप लोग सारे का देख लोगे मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए होता है, आपसी सहमति से होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सर्विस मोटिव होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वॉज पास्ड इन, कब बनाया गया था, तो याद रखोगे 1912 में ये पास्ड हुआ था, बनाया गया था। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी है, याद रखोगे नेसेसरी है, कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है, जरूरी है। नेक्स्ट कहता है कंपनी, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पार्ट, ईच वन ऑफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो याद रखोगे कैपिटल का छोटा, कैपिटल मतलब होती है पूंजी, जब आप कैपिटल पैसा लगाते हो पार्टनरशिप में तो वो पार्टनर्स कैपिटल हो गया, और उसी चीज को जब आप कंपनी में लगाते हो तो वो शेयर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रिफरेंस शेयर। अगर पूछा जाए कि शेयर्स क्या है, तो स्मॉल पार्ट ऑफ अ कैपिटल, कैपिटल का छोटा सा हिस्सा, कंपनी में जो पूंजी लगाई जाती है छोटे छोटे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इसलिए उसको छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है, ठीक है। और जो भाग में बांटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, जो दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर, ठीक है। जो पैसा लगाते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी होती है, मतलब शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि क्या है, तो भैया इच पार्ट, कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा क्या है, शेयर्स है, इसका राइट आंसर होगा शेयर्स। और एक चीज मैं बता दूं कि जब इसमें प्रॉफिट बढ़ता है तो वो प्रॉफिट के नाम से ना जाना जाकर डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। कंपनी में अगर प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाता है तो वो डिविडेंड, और पार्टनरशिप में वो प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों का नाम अलग अलग है बट चीज एक ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी कंपनी, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग होते हैं? तो सर आपको पता है कि कम से कम 2 और मैक्सिमम पूछेगा तो 200, तो मैक्सिमम नंबर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मैक्सिमम कितना है 200 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो सर कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस टेबल में बताया गया है? तो याद रखोगे टेबल ए, टेबल ए में अगर एब्सेंस है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो अप्लाई करेगा टेबल ए को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। बहुत सारे हमारे जो चैप्टर्स हैं अब इसको हम लोग, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया क्या है, अब इसको एक एक करके हम लोग डील कर लेंगे। और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं इसमें, मैं आपको लेकर चलता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसको नोट डाउन भी कर लोगे और इसको समझ भी लोगे। चलिए तो देखते देखते हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं इसका एक पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट्स किया और मुझे लगा कि हाँ मुझे इसका जो पार्ट 2 है वो बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और बहुत ही स्पेशल चीज़ आप याद रखोगे, अगर आप लोगों को लगता है कि सर अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का आप न्यू वीडियोज़ बना दो, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ये वीडियोज़ बने हुए हैं पिछले साल के, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो, उससे हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सर इसके न्यू वीडियोज़ बना दो इस एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके लिए आपको न्यू वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, ETP, ये सारी चीज़ों का। तो आज का ये बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अपने इस पार्ट 2 में, बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2, जिसमें और बाकी जो चैप्टर्स हैं उसको मैं बता दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।